दर्शकों, आज हम आपसे बात करेंगे यमुना मिशन के तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। जी हाँ, वो तीन महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। वो है महत्वपूर्ण बिंदु ट्रिपल आर। आप सोच रहे होंगे भाई ये ट्रिपल आर क्या है, तो चलिए आपको बता देते हैं। आर फॉर रिड्यूस, आर फॉर रिसाइकल और आर फॉर रीयूज। जी हाँ, यमुना मिशन इन तीन प्रमुख बिंदुओं पर काम कर रहा है। पहला आर यानी रिड्यूस करना। तो यमुना मिशन के कार्यों के अंतर्गत कूड़े कचरे के जो ढेर हैं उनको खत्म किया जा रहा है, क्योंकि हर रोज यमुना में दिल्ली से लेकर मथुरा तक किसी न किसी रूप में जो कचरा आ रहा है, उसके अतिरिक्त मथुरा में बहने वाले मसाने नाले के कूड़े कचरे को भी यमुना मिशन के द्वारा निकाला जाता है। यानी नदी का कचरा और नाले का कचरा दोनों ही निकाले जाते हैं। जरा सोचिए कि अगर ये कचरा ना निकाला जाए तो क्या होगा। जी हाँ, स्थिति वही जस की तस बनी रहेगी, लेकिन यमुना मिशन के प्रयास के माध्यम से अब इस कूड़े कचरे को निकाला जा रहा है और इस कूड़े कचरे का भी सदुपयोग किया जा रहा है। तो एक तरफ तो हम उस कूड़े कचरे के ढेर को खत्म कर रहे हैं, जैसा कि आपने दिल्ली में भी देखा होगा, कई जगह ऐसे आपको कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति आपको मथुरा में नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि यमुना मिशन ने पहले ही ऐसे कूड़े के ढेरों को खात्मा कर दिया है, डंपिंग ग्राउंड को बदल दिया है एक खूबसूरत उद्यान में। ऐसी ही कुछ खूबसूरत जगह हैं जिन्हें आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, जो पहले कैसी स्थिति में थी और अब आज उनकी स्थिति क्या है। चलिए एक छोटी सी नजर डालते हैं अपनी कुछ ऐसी खास जगहों पर। तो देखिए, इस प्रकार से यमुना मिशन के द्वारा जो कूड़े कचरे का जो ढेर था उसका अंत किया गया। दूसरी बात अगर हम आपको बताएं तो वो है रीयूज की। आप सोच रहे होंगे कि जब कूड़ा कचरा निकलता है तो उसका हम क्या करते हैं। जी हाँ, कूड़े कचरे का भी सदुपयोग कर लेते हैं। यमुना जी में से हर रोज जो सफाई होती है उसके अंतर्गत जो कीचड़, जो गाद निकलती है, इसके अतिरिक्त जो मसाने नाले से भी जो सूखा कचरा है उसको अलग कर लिया जाता है और जल को आगे नहर में छोड़ दिया जाता है। इस कूड़े कचरे का, चाहे वो नदी का कचरा है चाहे वो नाले का कचरा है, दोनों का हम सदुपयोग करते हैं। उनको एक नए रूप में आप देख सकते हैं। जी हाँ, वो नया रूप ये होता है कि उस कचरे के साथ कुछ लेयर्स बनाई जाती हैं। मिट्टी और खाद के साथ में उस कचरे को मिक्स कर दिया जाता है और फिर उन लेयर्स को बहुत बड़ी बड़ी सतह के रूप में बनाकर वहाँ वृक्षारोपण किया जाता है। तो आइए फिर से एक नज़र डाल लेते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुना मिशन का जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है वो किया जाता है और किस तरीके से इस कूड़े कचरे को सदुपयोग में लाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम अपने तीसरे आर यानी रिसाइकल की। मसाने नाले के प्रदूषित जल को भी बालू शोधित पद्धति के अनुसार यमुना मिशन शुद्ध करता है। जी हाँ, ये पानी लगातार 6-7 किलोमीटर तक चलने के बाद जो इसके विषैले तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं और इस पानी को किसान फिर अपनी खेती में यूज़ करते हैं। अब
इस पानी में चूंकि थोड़ा सा खाद का जो मटेरियल है वो भी किसानों को मिलता है और पानी भी मिलता है। जहाँ किसान को अपनी खेती के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती थी, तो कहीं ना कहीं उस जल का दोहन अब होने से रुक रहा है और जो ये नाला था उस नाले के जल को शोधित करके पुनर्उपयोग में लाया जा रहा है। तो इस प्रकार से यमुना मिशन तीनों आर यानी ट्रिपल आर पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है, जो आपके लिए, हमारे लिए, मथुरा वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है।